नमस्कार दोस्तों, तो आज एक एग्जांपल और लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो उस दिन मैंने बताया था कि जो वॉल्यूम जनरेट होता है अबाउट एक्स एक्सिस अबाउट वाई एक्सिस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए, वो हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रीशेप्ड सॉलिड फॉर्म्ड बाय रिवॉल्यूशन अबाउट द वाई एक्सिस ऑफ द पार्ट ऑफ द पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। ये क्या हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कट ऑफ बाय लैटिस रेक्टम, ठीक है ना। ये लैटिस रेक्टम है, तो जो ये पैराबोला है, ठीक है ना, ये पैराबोला को लैटिस रेक्टम कट करता है, ठीक है। कैसे है, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ठीक है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का पैराबोला इस तरह से बनता है, और लैटिस रेक्टम क्या करता है, इसको जो ये पैराबोला है कट ऑफ बाय लैटिस रेक्टम, ठीक है। तो ये लैटिस रेक्टम इसको यहाँ पे कट करता है, मान लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, ये वाला जो है एरिया, ये वाला, ये, ठीक है, मान लीजिए इसका नाम मैंने दिया ओ पी क्यू, ठीक है। तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय ओ पी क्यू, ये हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, निकालना है, ठीक है ना, जो कि इस लैटिस रेक्टम से बनती है, ठीक है। यहाँ से जो ये वाला है, ठीक है ना, अबाउट किसके हैं, अबाउट वाई एक्सिस, मीन्स अबाउट इसके अबाउट है, जो इसके अबाउट ये वाला जो पैराबोला है, ये ऐसे, जब ये मान लीजिए ऐसे, ठीक है, ये इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करेगा, ठीक है, इस तरह से अबाउट दिस एक्सिस क्या करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा। तो जो हमारा वॉल्यूम जनरेट होगा, वो वॉल्यूम हमको इसमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू a है और y की वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू a क्यों है और y की वैल्यू 0 क्यों है, ये फोकस है, ठीक है। अब हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिए मैं आपको फोकस से बताता हूँ। हमारे पास इक्वेशन है y इक्वल टू 4x, ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। अब हमको यहाँ से पता करना है कि फोकस क्या है, ठीक है। इस x को छोड़कर हमारे पास क्या है, 4a, ठीक है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है हमारे पास, मान लीजिए y माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4p x माइनस k, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। ये वाला जो टर्म है, ठीक है, यहाँ पर तो x माइनस k है, x के साथ जो कोई भी टर्म है, यहाँ पर x माइनस 0 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 4a और 4b दोनों बराबर हैं, ठीक है, सो 4p इज इक्वल टू 4a, ठीक है। अब 4 से 4 कैंसिल, सो p इज इक्वल टू a, और p यहाँ पर क्या है हमारा, p यहाँ पर हमारा फोकस है, ठीक है। तो फोकस की वैल्यू क्या है हमारे पास, a, किसके लिए, इस इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने फोकस क्या लिखा है, a, और y x एक्सिस पे हमेशा क्या होता है, 0, ठीक है। अब नाउ वी विल फाइंड हाउ मच वॉल्यूम इज जनरेटेड अबाउट y एक्सिस, इस y एक्सिस के अबाउट जो वॉल्यूम जनरेट होगी, वो वॉल्यूम हमको निकालनी है, ठीक है। तो वॉल्यूम अबाउट y एक्सिस फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होती है हमारे पास, पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, ठीक है, अबाउट y एक्सिस निकाल रहे हैं ना, तो लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, यहां से और यहां तक, ठीक है, किसकी लिमिट, y की, क्योंकि अबाउट किसके निकाल रहे हैं हम, अबाउट y एक्सिस के निकाल रहे हैं। तो यहां पर y की वैल्यू क्या है, 0 0, लेकिन यहां पर तो हमको y की वैल्यू पता नहीं है, तो यहां पर y की वैल्यू निकाल देते हैं, कैसे, इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। इस पॉइंट पर x की वैल्यू मेरे पास क्या है, a, तो x की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, a मल्टीप्लाई बाय a क्या हो गया, a स्क्वायर। नाउ y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4a स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू होता है ना, ठीक है, इसलिए तो क्या हो गया हमारे पास, y इज इक्वल टू 2a। अब y की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, 2a, ठीक है, लिमिट मेरे को पता चल गई, a और 2a, ठीक है। और अब क्या करेंगे हम, इसमें अप्लाई कर देंगे 0 टू 2a,
टू ए, ठीक है। वॉल्यूम मैं बस इस वाले एरिया के निकाल रहा हूं, अब ओ पी इसका नाम दे देता हूं मैं एफ, ठीक है, ओ पी एफ, इससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा उसको निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। फिर उसको डबल कर दूंगा तो नीचे वाला भी मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाला भी वॉल्यूम जो जनरेट होगा टोटल निकल के आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस टू ए और टू ए, आप चाहो तो टोटल करके भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे मैं एक बार y की वैल्यू जीरो लूंगा और एक बार टू ए, आप चाहो तो लिमिट माइनस टू ए से लेकर टू ए भी रख सकते हो और उसको डायरेक्ट क्या कर दोगे, डबल कर दोगे, ठीक है, सॉरी वो डायरेक्ट निकल जाएगा क्योंकि ये जब घूमेगा तो वॉल्यूम जनरेट निकल के अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसका मैं डबल कर दूंगा तो मेरे पास क्या जाएगा, जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं डबल कर देता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ इस वाले एरिया का निकाल रहा हूँ ना, इस वाले एरिया का, इस वाले एरिया का तो निकाल ही नहीं रहा, इसलिए मैंने क्या किया, इसका जितना वॉल्यूम ये जनरेट करेगा उतना ही वॉल्यूम ये जनरेट करेगा, इसलिए मैंने इसको डबल कर दिया यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं अब इसको, टू जीरो टू टू ए, पाई को मैं ले लेता हूँ बाहर, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर मेरे को एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, फोर एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई फोर ए, ठीक है। लेकिन मुझे तो एक्स स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका मैं स्क्वायर कर देता हूँ, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा वाई रेज टू द पावर फोर, ठीक है, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज वाई रेस टू द पावर 4 डिवाइड बाय 16 ए स्क्वायर, सो वाई रेस टू द पावर 4 डिवाइड बाय 16 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डी वाई, ठीक है, यह आ गया हमारे पास। नाउ 16 ए स्क्वायर इज अ कांस्टेंट टर्म, सो इट कैन बी रिटन आउटसाइड ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट इज 16 ए स्क्वायर। नाउ वी विल इंटीग्रेट वाई रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय डी वाई, सो इट इज 2 पाई डिवाइड बाय 16 ए स्क्वायर एंड वाई रेज़ टू द पावर 5 डिवाइड बाय 5 अप्लाई फ्रॉम 0 टू 2a, limits between 0 to 2a, because I am taking area only O, P and F, okay? So it is 2 pi or pi divided by 8a square, okay? And y apply first upper limit, so it is 2 a raised to the power 5 and also 5, so it is 8 5 is a 40, okay, 2 a raised to the power 5 minus lower limit, now lower limit is 0, so it is only 2 a raised to the power 5. Now pi 2 raised to the power 5 is 32 and a raised to the power 5 divided by 40 a raised to the power 2. Now a raised to the power 2 and a raised to the power 2 cancel, so it is a cube and it is 8 4s are 8 5s are. So volume generate will be 4 pi a cube divided by 5 about y axis, ठीक है, जो ये lattice rectum cut करता है इसके about, यानी कि y axis के about जो volume generate होगा वो होगा हमारा 4 pi a cube divided by 5. Now next question is, find the volume generated by revolving the portion of the parabola y square is equal to 4x cut off by lattice rectum, ओके, अबाउट द एक्सिस ऑफ पैराबोला, ठीक है, सो द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर दिस इक्वेशन,
parabola looks like this. Okay. Now it is cut by its lattice rectum. Okay. So let's say it is its lattice rectum and point is x and y are a comma 0. And the y value of here x and y is a comma 2a. So y square is equal to a 4a square. So it is 2a. Okay. So point r a and 2a and here a comma 0. Okay. Now question कह रहा है हमको about the एक्सिस ऑफ द पैराबोला. हमको क्या करना है, वॉल्यूम जनरेट होगी वो निकालनी है. ठीक है. सो एक्सिस क्या होगा पैराबोला का हमारे पास, ये. ठीक है, ये वाला हमारे पास इसका क्या होगा, एक्सिस होगा. ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट हमको क्या निकालना है, इसका जो वॉल्यूम जनरेट होगा, जो किससे जनरेट हो रहा है, इस लैटिस रेक्टम से. ठीक है, तो हमें अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है, सीधी सी बात है. ठीक है, तो लिमिट क्या होंगी हमारे पास, 0,0. ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस निकालना है ना, तो अबाउट एक्स एक्सिस के वॉल्यूम क्या होगा. ठीक है, लिमिट इज 0 to a पाई को मैं बाहर लिख रहा हूं पहले ही, y square इज इक्वल टू 4ax मल्टीप्लाई बाय dx. सो वॉल्यूम इज इक्वल टू 4 पाई a x मल्टीप्लाई बाय dx एंड लिमिट्स गोज टू 0 टू a. ओके, नाउ 4 पाई a x स्क्वायर डिवाइड बाय 2, नाउ 2 कम आउट एंड इट इज लिमिट्स फ्रॉम 0 टू a. Now 2 2's are 4. So 2 pi a and it is a square minus 0 square. 0 square is doesn't कोई meaning नहीं रखता. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा total जो volume होगा, volume is equal to 2 pi a cube. ठीक है, आपको formula के बारे में पता होना चाहिए. अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको लिमिट सेट करनी आनी चाहिए तो आप जो ये एप्लीकेशन ऑफ सिंगल इंटीग्रेशन है डायरेक्ट लगा दोगे. ठीक है, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 3. जो एरिया है वो बाउंडेड होता है एक्स एक्सिस से, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax कर्व है उससे एंड ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 3a से, है ना, एंड इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस. ठीक है, और वो जो एरिया है रिवॉल्व करता है अबाउट एक्स एक्सिस के, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो हमको वॉल्यूम बताना है. ठीक है, तो सबसे पहली बात वही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का ग्राफ यानी कि पैराबोला का जो ग्राफ है वो इस तरह से होगा. ठीक है, अब ये किस किस से बाउंड करता है, एक तो इस कर्व से. ठीक है, वाई स्क्वायर इज 4ax एंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस से. ठीक है, एंड ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 3a और यहां पर हमारे पास x इज इक्वल टू क्या है 3a, इससे हमारे पास क्या करता है, ये बाउंड करता है. ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला अबाउट किसके घूमेगा, x एक्सिस के, तो उस काम को क्या निकालना है, वॉल्यूम जो जनरेट होगा वो वॉल्यूम हमको निकालना है. ठीक है, यहां पर x की वैल्यू क्या है मेरे पास 3a,0. ठीक है, और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमको y की वैल्यू वैसे निकालने का मतलब ही नहीं है क्योंकि हमको किसका अबाउट निकालना है, अबाउट हमको x एक्सिस से निकालना है ना, तो लिमिट तो हमारे पास 0 से लेकर 3a आ जाएंगी. ठीक है, और अबाउट y एक्सिस निकालना है, तो अबाउट y एक्सिस जब हम निकालते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई वाई स्क्वायर dx. ठीक है, और लिमिट कहाँ है हमारे पास, हमको कहां से कहां तक जो वॉल्यूम है कहां से कहां तक का निकालना है, यहां से लेकर यहां तक. ठीक है, 0 से 3a तक जो एरिया है जब वो रोटेट करेगा अबाउट x एक्सिस के, तो उससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा, मान लीजिए ये है. ठीक है, ये और ये इस तरह से घूमेगा इस तरह से. ठीक है, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो हमको निकालना है. तो लिमिट तो मेरे पास आ गई,
किसके लिए एक्सिस के लिए अबाउट एक्सिस निकालना है ना, तो इसलिए लिमिट कहाँ है, जीरो से लेकर थ्री ए, जीरो से लेकर थ्री ए, ठीक है। पाई वाई स्क्वायर एंड डी एक्स, ये हमारा क्या है अबाउट एक्स एक्सिस के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, जो फॉर्मूला होता है वो है जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। पाई को मैंने क्या कर दिया, बाहर कॉमन ले दिया, उसके बाद जीरो टू थ्री ए, ठीक है। वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, वाई क्यूब, सॉरी वाई स्क्वायर का पहले मैं क्या कर दूंगा, वाई इक्वल टू फोर एक्स, फोर ए एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, अब फोर एक्स फोर ए बाहर दोबारा से कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो गया एक्स डी एक्स, ठीक है। सो फोर पाई ए लिमिट गोज फ्रॉम जीरो टू थ्री ए, ओके एक्स स्क्वायर, इसको मैं अब इंटीग्रेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, सो इट इज टू, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास निकल के, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, फोर पाई ए डिवाइड बाई टू, नाउ थ्री रेस टू द पावर टू, क्या हो गया यहाँ पर थ्री ए रेस टू द पावर, तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है जीरो, जीरो के पावर कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है उससे, तो थ्री रेस टू द पावर टू क्या हो गया हमारे पास नाइन मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर, नाउ टू टू जा फोर, ठीक है। सो इट इज टू पाई ए मल्टीप्लाई बाय नाइन ए स्क्वायर, ठीक है। सो टू नाइन जा एटीन एंड पाई एंड ए मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर इज ए क्यूब, सो इट इज माई टोटल वॉल्यूम जनरेटेड अबाउट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, किस एरिया के लिए, एरिया जो कि ये है ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया जो बाउंड हो रहा है किससे, एक्स एक्सिस से, ऑर्डिनेट थ्री ए से और इस कर्व से, जो ये एरिया अबाउट एक्स एक्सिस के रोटेट करेगा, ठीक है, तो जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो हमारा वॉल्यूम होगा ये इस तरह से। इसके बाद हम इसके, ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से जो हमने क्या निकाले थे, वॉल्यूम निकाला था, वो है हमारे पास ये इस तरह से हमने निकाल दिया। इसके बाद हम पोलर कोऑर्डिनेट में वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।